दोस्तों स्वागत है आपका नवसरणे न्यूज़ में। मैं हूं आपका दोस्त नवीन शर्मा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट की। मौसम विभाग ने लेटेस्ट और ताज़ा अपडेट जारी कर दिया है और मौसम विभाग के अनुसार जो है जारी हुआ है अनुमान 21 से लेकर 26 से नहीं कि 21 22 23 24 25 26 में 2019 को कैसा रहेगा देश का मौसम, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहीं आंधी तो कहीं बारिश तो कहीं गर्मी की चेतावनी जारी हो चुकी है और यह सब जो है मौसमी सिस्टम के मानसूनी यानी कि प्री मानसूनी हरकतों के कारण हो रही है। तो क्या है मौसम इन दिनों को, आइए जान लेते हैं विस्तार से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबाएं जिससे अपडेट रहें आप देश की सभी कैटेगरी की अपडेट एवं अलर्ट खबरों से। साथ ही दोस्तों यदि आप अपने क्षेत्र का मौसम जानना चाहते हैं तो अपने राज्य का नाम और अपने क्षेत्र का नाम लिखकर हमें टाइप करें पूरी वीडियो देखने के बाद। चलते हैं अपडेट की ओर। दोस्तों समग्र भारत का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान 21 मई से 26 मई 2019। मानसून 2019 का अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों में आगमन हो गया है, बाकी हिस्सों में इंतजार शुरू है। इस बीच पूर्वोत्तर राज्यों में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। देश के बाकी हिस्सों में कहीं लू चलेगी तो कहीं प्री मानसूनी वर्षा होगी। तो चलते हैं और जान लेते हैं अलग अलग राज्यों के हिसाब से कैसा रहेगा मौसम। शुरुआत करते हैं दोस्तों उत्तर भारत से। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में 21 मई तक एक दो स्थानों पर बादलों की गर्जना के साथ बारिश होने के आसार है। साथ ही 22 से 24 मई के बीच इन दोनों राज्यों के बीच बारिश बढ़ने की संभावना है। साथ ही उत्तराखंड में भी बारिश होने के आसार है। पर्वतीय राज्यों में ऊंचे स्थानों पर बर्फबारी के आसार है। वहीं 25 मई से बारिश की तीव्रता में काफ़ी कमी आएगी और 26 मई से मौसम साफ हो जाएगा। मैदानी इलाकों में पंजाब और उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान में 21 मई को एक दो स्थानों पर धूल भरी आंधी चलने और बादलों की गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने की संभावनाएं हैं। वहीं 22 और 23 मई को गतिविधियां बढ़ेगी। इस दौरान अनुमान है कि पंजाब हरियाणा उत्तरी राजस्थान और दिल्ली NCR में कुछ स्थानों पर जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक दो स्थानों पर गरज के साथ प्री मानसूनी वर्षा हो सकती है। इसके बाद उन सभी भागों में मौसम में जो हलचल कम होती नजर आएगी। दोस्तों पंजाब और राजस्थान में 24 मई को एक दो स्थानों पर प्री मानसून की हलचल बनी रहेगी। वहीं 25 मई से उत्तर पश्चिम भारत में लगभग सभी भागों में मौसम साफ और शुष्क हो जाएगा। तो दोस्तों यह था उत्तर भारतीय क्षेत्रों का मौसम पूर्वानुमान 21 से लेकर आने वाले समय यानी कि 21 से लेकर 26 तक का। अब चलते हैं मध्य भारत की ओर कि मध्य भारत में कैसा रहेगा इन दिनों में मौसम। दोस्तों उत्तरी मध्य प्रदेश में 21 मई को एक दो स्थानों पर धूल भरी आंधी और गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। साथ ही उत्तरी और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश तक छत्तीसगढ़ में 22 मई से गरज के साथ बारिश होने के आसार है। वहीं 23 मई से इन भागों में फिर से मौसम जो है साफ और शुष्क हो जाएगा। विदर्भ दक्षिणी छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर लू जैसे हालात भी बन सकते हैं। तो दोस्तों यह था मध्य प्रदेश का मौसम। चलते हैं पूर्वी भारत की ओर। दोस्तों पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में 21 मई तक कुछ स्थानों पर बारिश जारी रहने की संभावनाएं हैं। उसके बाद 22 मई से बारिश की तीव्रता में वृद्धि होगी। खासकर असम मेघालय अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में कई जगहों पर बारिश के साथ साथ कहीं भारी वर्षा भी हो सकती है। 23 और 24 मई को मेघालय मिजोरम और त्रिपुरा में भीषण बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। दोस्तों 23 और 24 मई को यहाँ के लोग सावधान रहे मिजोरम और त्रिपुरा के और सतर्क रहे। 25 और 26 मई को बारिश में कुछ कमी आएगी लेकिन पूर्वोत्तर भारत के भागों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावनाएं बनी हुई है। वहीं दोस्तों ओडिशा के तटीय भागों में 21 मई से 23 मई तक एक दो स्थानों पर हल्की बारिश जारी रहेगी। वहीं 22 और 23 मई को पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड गंगी पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कहीं कहीं बादलों की गर्जना के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु में 24 मई तक कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। वहीं 23 और 24 मई को बेंगलुरु सहित दक्षिण कर्नाटक में एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। 25 और 26 मई को आंतरिक कर्नाटक केरल और तमिलनाडु में बारिश जारी रहेगी। आंध्र प्रदेश में भी इस सप्ताह एक दो स्थानों पर रुक रुक कर प्री मानसूनी वर्षा हो सकती है। दूसरी ओर उत्तरी कर्नाटक और तेलंगाना में कई इलाकों में पूरे सप्ताह मौसम शुष्क बना रहेगा और कुछ स्थानों पर लू का प्रकोप भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों यह था संपूर्ण भारत का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान जो कि बताया गया स्काईमेट वेदर के द्वारा और हमने जाना कहाँ होगी बारिश, कहाँ रहेगा मौसम शुष्क व कहाँ होने वाली है आंधी तूफान की आशंकाएं। आप चलते हैं मौसम विभाग के अगले आज के बड़े और लेटेस्ट अपडेट की ओर। दोस्तों उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ नदी दस्तक, जानिए कैसा रहेगा अब आने वाला मौसम।
दोस्तों, दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहने के आसार है। इस कड़ी में दिल्ली में एक बार फिर मंगलवार को मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार शाम को आंधी चलने के आसार है। इतना ही नहीं, मंगलवार के दिन भर बादल छाए रहने के आसार भी है। साथ ही अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री की रहने की संभावना है। और मौसम विभाग के वैज्ञानिक के मुताबिक उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ ने फिर दस्तक दे दी है। इससे मौसम में परिवर्तन आएगा। दिल्ली में अगले 2 से 3 दिन बारिश की उम्मीदें ज़्यादा रूप से बनी हुई है। भारतीय मौसम विभाग IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक मौसमी उतार चढ़ाव के बीच बुधवार को भी दिल्ली का फिजा दोबारा करवट लेगी। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तेज धूप भरी हवाएं भी चलेगी, वहीं बारिश भी होगी। हालांकि गर्मी के तेवर पूरे सप्ताह ढीले रहने के आसार है और तापमान में 40 डिग्री के नीचे रहने के आसार हैं। लेकिन मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को तापमान 38 डिग्री तक भी जा सकता है। दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ के चलते गुरुवार से बारिश का दौर एक बार फिर शुरू होगा और मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार और शुक्रवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर हवा भी चल सकती है। यह प्रबल संभावना बनी हुई है आंधी और बारिश की, खासकर दिल्ली वासियों के लिए उत्तर भारतीय क्षेत्रों में। वहीं शनिवार को भी बादल छाए रहने के साथ बारिश होने का अनुमान है, लेकिन इस दौरान हवा की गति थोड़ी कम रहेगी। इससे पहले सोमवार को दिन भर धूप छाई रही, अधिकतम तापमान सामान्य के साथ 40.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। यह सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा और हवा में नमी का अधिकतम स्तर 72% और न्यूनतम स्तर 22% रहा है। दोस्तों, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिलाएगा राहत। अगला अपडेट है, स्काईमेट के मुताबिक पिछले 24 घंटों से दिल्ली का मौसम शुष्क चल रहा है, उसकी वजह से अब तापमान बढ़ेगा। वहीं वेस्टर्न डिस्टरबेंस अगले 2 से 3 दिनों के दौरान यानी 22 मई को उत्तर भारत की करीब उपस्थित होगा, जिससे गर्म मौसम के सह राहत मिलेगी लोगों को। साथ ही मौसमी बदलाव के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी व गरज के साथ बारिश होने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई है। तो दोस्तों, कुल मिलकर इन क्षेत्रों में जो है दस्तक देने वाली है बारिश, जल्द ही प्री मानसूनी हरकत होने वाली है। चलते हैं अगले अपडेट की ओर। सप्ताह के अंत तक कैसा रहेगा मौसम, यह भी जान लेते हैं इन क्षेत्रों में। दोस्तों, मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को हालांकि बारिश तो नहीं होगी, लेकिन आंशिक रूप से जो है आज बादल छाए रहेंगे और इससे गर्मी की चुभन ज़्यादा महसूस नहीं होगी। तापमान भी 38 से 24 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बुधवार से मौसमी परिस्थितियाँ बदलने लगेगी। लगातार 3 दिन बारिश की संभावनाएँ बनी रहेगी। इसके बाद जो है सप्ताह के अंत तक मौसम जो है इन क्षेत्रों में सुहावना हो जाएगा। झारखंड की बात करें दोस्तों, तो यहाँ के भी अपडेट जारी हो चुका है। झारखंड वासियों के लिए बड़ा अपडेट है, 24 घंटों में 3 से 4 डिग्री बढ़ेगा तापमान, 23 को बारिश, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेंगी हवाएं। दोस्तों, रांची सहित पूरे झारखंड में अगले 24 घंटों तक गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। रांची का तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं झारखंड के गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला में हीट वेव यानी लू चल रही है। तापमान 41 से 42 डिग्री तक पहुंच जाता है। अगले 24 घंटों में सामान्य से 3 से 4 डिग्री तापमान अधिक रहने की संभावनाएं बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के रांची के अनुसार 21 मई तक गर्मी से राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि ड्राई वेदर रहेगा। मौसम केंद्र के डायरेक्टर डॉक्टर एस के कोटाला ने बताया है कि 23 मई से झारखंड में मौसम बदलने वाला है और इस वजह से गर्मी से राहत भी इनको मिलेगी। 23 मई से एक सिस्टम डेवलप हो रहा है, इसका असर झारखंड में दिखेगा। झारखंड के लगभग सभी जिलों में बारिश होने के आसार है और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है। वहीं दोस्तों, रांची का अधिकतम तापमान 39.4, जमशेदपुर का 41.0, डाल्टगंज का 42.6, कांके का 37.8 और जो है अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 41 से 42 डिग्री रहने की संभावनाएं हैं। इधर राजधानी में तापमान बढ़ने से दोपहर में मार्केट में सन्नाटा रहा। हालांकि सुबह से ही कड़ी धूप निकल रही थी और शाम 5 बजे के बाद तापमान में गिरावट होने के बाद लोगों को राहत मिल रही है। 2 दिनों से रात में ठंडी हवाएं चलने से लोगों को राहत है। तो दोस्तों, कुल मिलकर मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में प्री मानसून दस्तक देने वाला है और 21 से 26 के बीच भी हमने मौसम जाना और साथ ही जाने आज के मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट को। तो इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि सब लोग जान सकें मौसम विभाग के लेटेस्ट ताज़ा अपडेट को, सावधान सतर्क रह सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक लिए दोस्तों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया।